भाजपा दक्षिण नागपुर मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष की गणपट्टी पर पिस्तौल लगाकर 5 लाख रुपए का हफ्ता मांगने और 50 लाख की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में कुख्यात बदमाश संतोष आंबेकर और उसके ममेरे भाई नीतीश माने के खिलाफ लखनगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। आंबेकर फिलहाल नागपुर के सेंट्रल जेल में बंद है। आंबेकर पर अब तक दुष्कर्म, धोखाधड़ी, हफ्ता वसूली सहित एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। फिरती संजय नथुजी रहाटे पुलिस स्टेशनला आले, त्यांनी तक्रार दिली की कुख्यात गुंड संतोष आंबेकर यांनी त्याच्याजवळ प्लॉट घेतला होता, त्याला विकायचा नव्हता, फिरतीला आतापर्यंत जोर जबरदस्ती करून तो प्लॉट घेतला, 55 लाख रुपयात सौदा तय झाला। त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की चेकनी देईल आणि 50 लाख रुपये कॅश देईल। त्याची रजिस्ट्री झाली, रजिस्ट्री झाल्यानंतर त्यावेळेला असं लक्षात आलं, 5 लाख रुपयाचा चेक त्यावेळेला दिला, त्यांनी तो बँकेत टाकला, तो कॅश झाला। उरलेल्या पैशाचा ज्यावेळेला जात होता त्यावेळेला त्यांनी त्याला 50 लाख रुपये दिलेले नाही, आणि ज्यावेळेला तो 50 लाख रुपये मागायला वारंवार संतोष आंबेकरकडे जात होता त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की पैसे भूल जा और दुबारा पैसे मांगा, तेरे को ठोक देंगे, असं म्हणून त्याला जबरदस्तीने एक प्रकारची खंडणी घेतल्याचाच प्रकार होता तो। त्याच्यामुळे त्याच्यावर 386 आणि 325 बंदूक दाखवल्यामुळे 325 असा गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। सध्या गुन्ह्याचा तपास क्राईम ब्रांचकडे हँडओव्हर करण्याची प्रोसेस। संजय का आरोप है कि आरोपियों ने उसका प्लॉट हड़पने के लिए दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर भी कर लिए थे। प्लॉट का सौदा करने नीतीश माने ही आया था। नीतीश पहले संतोष के यहाँ उसके मुनीफ का कार्य देखा करता था, बाद में वह जबलपुर में रहने चला गया। नीतीश को आंबेकर की अकूत दौलत के बारे में काफी जानकारियां है। प्रकरण की जांच अपराध शाखा पुलिस के सुपुर्द कर दी गई है। संतोष आंबेकर पर अभी तक हफ्ता वसूली के करीब 13 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।